Hello students, welcome to online sessions of Giri Tutorial. In today's session, we are going to see the role of profit in the business. अभी आपको आपको already पता है business is an economic activity. Business economic activity है जिसमें businessman involve होता है to earn profit. So what role profit play in business? Profit business के लिए क्यों important है? We are going to study here. First one is return to investor. The people who invest money in the business expect fair return on their capital. This is possible if adequate profit are earned by the business. See, return to investor, अभी बहुत सारे लोग हैं जो business में invest करते हैं, like जो business के investors होते हैं, तो they expect fair return. उनको अपने amount पे जो पैसा वो लोग business में invest किया है, they want a fair return on it. उनको उस amount पे fair return चाहिए. तो ये पॉसिबल कब होगा? ये पॉसिबल होगा जब भी आपका आपका जो बिजनेस है, इफ इट इज अर्निंग एडुकेट प्रॉफिट, आपका बिजनेस जो है वो सफिशिएंट जब प्रॉफिट अर्न करेगा, तभी पॉसिबल होगा कि आप अच्छा रिटर्न आपके इन्वेस्टर को दे पाओ. तो जो प्रॉफिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अगर आपको चाहिए कि आपके इन्वेस्टर्स खुश रहे, आपके जो इन्वेस्टर्स है वो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट आपकी कंपनी में रखे, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव देम फेयर रिटर्न ऑन देयर कैपिटल. एंड दिस कैन बी ओनली पॉसिबल इफ योर बिजनेस इज इन प्रॉफिट, योर बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट. आपका बिजनेस जो प्रॉफिट कर रहा है तभी ये चीज क्या होगी, पॉसिबल होगी. एज अ इन्वेस्टर, अगर आप भी एज अ इन्वेस्टर, अगर इफ आई एम इन्वेस्टिंग समवेयर, तो मैं पैसा अगर अपना इन्वेस्ट कर रही हूँ तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि उसके ऊपर मुझे कुछ अच्छा रिटर्न आए. तो जो बिजनेस है वो आपको फेयर रिटर्न आपको वो दे पाएगा ओनली इन केस जब बिजनेस इज इन प्रॉफिट. जो आपका बिजनेस अर्न कर रहा है तभी वो आपको फेयर रिटर्न पे कर पाएगा. नाउ नेक्स्ट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट. एडुकेट प्रॉफिट एनेबल अ बिजनेस टू स्पेंड मोर ऑन R&D. दिस कैन लीड टू बेटर टेक्नोलॉजी एंड लोअर कॉस्ट. इनोवेशन प्रोडक्ट बेनिफिट द होल नेशन. रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी बिजनेस. विद द हेल्प ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट यू विल गेट टू नो दैट व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द सोसाइटी, व्हाट इज द चेंज इन द सोसाइटी. तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हर बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अगर आपको आपका बिजनेस बहुत ग्रो करना है एंड इफ यू वॉन्ट टू सर्वाइव इन द मार्केट, इफ यू वॉन्ट टू मीट अप द कॉम्पिटिशन, देन यू हैव टू स्पेंड अ ह्यूज चंक ऑफ मनी ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. अभी हर बार एवरी टाइम इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू स्पेंड टू शेल आउट मनी फ्रॉम योर पॉकेट. हर बार आप अपनी पॉकेट में से पैसा स्पेंड नहीं कर सकते हो. सो जब आपका बिजनेस जो है वो प्रॉफिट, अगर आपका बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग है, तब जाके आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप क्या कर सकते हो, पैसा स्पेंड कर सकते हो. एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है हर बिजनेस के लिए, जिससे आपको बेटर टेक्नोलॉजी मिलता है, आपका कॉस्ट जो है कम होता है, एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट बेनिफिट द होल नेशन. आपका प्रोडक्ट जितना अच्छा होगा उतना ज्यादा आपकी कंट्री के लिए अच्छा है. आप अपने प्रोडक्ट से क्या कर सकते हो, मार्केट डेवलप कर सकते हो. बट ये पॉसिबल है, इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉसिबल है ओनली व्हेन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन यू आर रेडी टू स्पेंड अ ह्यूज अमाउंट ऑन R&D. Can say that adequate sufficient profit enable a firm to spend more on R&D. This can lead to better technology and lower cost. इससे आपकी टेक्नोलॉजी भी बेटर होगी, आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या होगा, कम हो जाएगा. नेक्स्ट इज ग्रोथ एंड एक्सपेंशन. रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट इज द इंटरनल सोर्स ऑफ फंड. दिस प्रॉफिट कैन बी यूज फॉर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ बिजनेस थ्रू एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन. सी, रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट इज द इंटरनल सोर्स ऑफ फंड. आप जितना ज्यादा प्रॉफिट, जो रिटेन अर्निंग है, जो आप पैसा आप अपने बिजनेस से आप जो बचा के रखते हो, वो इंटरनल सोर्स ऑफ फंड है जो आप आपकी कंपनी के एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन में यूज कर सकते हो. तो अगर आपका कंपनी जो प्रॉफिट अर्न कर रहा है, आपका कंपनी जो प्रॉफिट मेकिंग है, तभी जाके आप क्या कर सकते हो, आप एक सफिशियंट फंड जो है वो साइड में आप रख सकते हो, जिसको आप अपने बिजनेस के ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए यूज कर रहे हो. पैसा आप बिजनेस में जो आप रख रहे हो, साइड में रख रहे हो,
उसके फ्यूचर के लिए वो पैसा आप यूज कर सकते हो फॉर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, जिससे आप आपके बिजनेस का वॉल्यूम बढ़ा सकते हो, आपका बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हो, डाइवर्सिफाई कर सकते हो. एक्सपेंशन मीन्स ग्रोथ. आपका बिजनेस आपने एक्सपैंड कर दिया, बड़ा उसको एक्सपैंड कर रहे हो, आप उसको ज्यादा स्प्रेड कर रहे हो. एंड डाइवर्सिफिकेशन मीन्स आपका जो लाइन ऑफ बिजनेस है आप उसको भी क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो. तो ये चीजें पॉसिबल है ओनली, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन योर कंपनी इज प्रॉफिट मेकिंग. अगर आपकी कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है तब ये सारी चीजें पॉसिबल है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि रिटर्न टू इन्वेस्टर, आप अपने इन्वेस्टर को बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हो जब आपकी कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है. जो पर्सन आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट, जिसने आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनको अच्छा प्रॉफिट दो. नेक्स्ट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट. अगर आपको चाहिए कि आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा स्पेंड करना है, एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट हर एक बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो पैसा आपको हर बार आप अपनी पॉकेट से नहीं यूज कर सकते हो. तो आपको वो पैसा, अगर आपकी कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है तभी जाके आप वो क्या कर सकते हो, पैसा रख सकते हो. अभी का जो पॉइंट है दैट इज ग्रोथ एंड एक्सपेंशन. ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए भी प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज इंक्रीजेस एफिशिएंसी. प्रॉफिट फैसिलिटेट पेमेंट ऑफ वेरियस ड्यू इन टाइम. इट ऑल्सो मोटिवेट द एम्प्लॉय वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट, अगर आपकी कंपनी जो प्रॉफिट मेकिंग है, आपकी कंपनी जो प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो इन दैट केस आप जो आपके क्रेडिटर्स है आप उनको टाइम पे पेमेंट कर सकते हो, जो आपके एम्प्लॉयज है उनको आप टाइमली पेमेंट कर सकते हो. तो इट ऑल्सो मोटिवेट द एम्प्लॉय वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड क्रेडिटर टू मेंटेन द सप्लाई ऑफ गुड्स. तो जब आप अपने क्रेडिटर्स को टाइमली पेमेंट करोगे तो वो लोग आपको जो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं वो लोग रेगुलरली, जब आप अगर आप अपने क्रेडिटर्स को टाइम पे कर रहे हो तभी जाके वो लोग आपको रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, तो वो लोग आपको टाइमली सप्लाई करेंगे. एंड विद द हेल्प ऑफ profit you can pay your employees on time, and this is going to motivate your employees working in the organization, and this will bring efficiency in the organization. Agar aap cheezon ko time pe nahi pay kar rahe ho, dues ko pay nahi kar rahe ho, employees ko pay nahi kar rahe ho, to wo log utni efficiently wo log kaam nahi karenge, to isse aapki company mein efficiency nahi aayegi. but agar aap sabko time pe pay kar rahe ho to usse bahut zyada efficiency aapki company mein aayegi. Next is means of livelihood. Businessmen earn profit which is their means of livelihood. By earning sufficient profit they can live a decent standard life through satisfaction of various want. Abhi means of livelihood ye business jo hai, ye jo if you are starting a business, the aim behind starting a business is to earn profit. Aapka economic motive hai, aap business is an economic activity, to aap प्रॉफिट अर्न करने के लिए आप बिजनेस करते हो. आपको चैरिटी, कोई चैरिटी करने के लिए बिजनेस नहीं करता है. तो यहाँ पे अगर बिजनेस से जब प्रॉफिट होता है तभी जाके बिजनेसमैन जो है उसका जो डे टू डे नीड्स है वो क्या होगा, कंप्लीट होगा. एंड बाय अर्निंग सफिशिएंट प्रॉफिट दे कैन लिव अ डिसेंट स्टैंडर्ड लाइफ थ्रू सेटिस्फैक्शन ऑफ वेरियस वॉन्ट. उनकी जो अलग अलग वॉन्ट्स है वो भी क्या होगी, कंप्लीट होगी. एंड वो लोग एक डिसेंट सा लाइफ वो लोग क्या कर सकते हैं, डिसेंट सा लाइफ वो लोग लीड कर सकते हैं. नेक्स्ट इज रिवॉर्ड फॉर रिस्क. प्रॉफिट इज कंसिडर्ड एज अ रिवॉर्ड फॉर एज्यूमिंग सेवरल बिजनेस रिस्क. प्रॉफिट ऑल्सो सर्व एज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट दोस रिस्क विच कैनॉट बी इंश्योर्ड, फॉल इन डिमांड, एडवर्स गवर्नमेंट पॉलिसी एक्सेट्रा. सी प्रॉफिट इज कंसिडर्ड अ रिवॉर्ड फॉर एज्यूमिंग सेवरल बिजनेस रिस्क. बिजनेस में बहुत सारा रिस्क इन्वॉल्व होता है. Still, जब बिजनेसमैन चूजेस आउट टू स्टार्ट अ बिजनेस, तो वो रिस्क, इतना सब रिस्क लेने का वो जो रिवॉर्ड है वो क्या है, प्रॉफिट है. इट ऑल्सो सर्व एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रिस्क, दोस रिस्क विच कैनॉट बी इंश्योर्ड. अगर आपकी कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग है, एंड कुछ रिस्क जो है वो अनइंश्योरेबल होता है, जो इंश्योर्ड नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल फॉल इन डिमांड, एडवर्स गवर्नमेंट पॉलिसी. अगर इफ देर इज अ सडन चेंज इन डिमांड, आपका जो अगर मार्केट जो कंडीशन है वो चेंज हो गई है, लोगों की टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गई है, उसकी वजह से डिमांड कम हो गई है, तो अगर आपकी कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है तभी वो आपको क्या एक तरह का प्रोटेक्शन दे सकता है, क्योंकि आपके पास प्रॉफिट रहेगा एंड आप उसको यूज करके आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके आप प्रोडक्ट को डेवलप कर सकते हो, ताकि वो मार्केट जो डिमांड है उसके हिसाब से आपका प्रोडक्ट बन सके. तो जो इंश्योरेंस है, जो प्रॉफिट है, वो इट इज अ काइंड ऑफ
इट सर्व एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रिस्क विच के नॉट बी इंश्योर्ड. जो रिस्क इंश्योर्ड नहीं हो सकता है उन सब रिस्क के लिए ये एक तरह का प्रोटेक्शन है. नाउ लेट्स हैव अ क्विक रिकैप्चुलेशन ये टॉपिक के लिए. सी रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस. प्रॉफिट क्या रोल प्ले करता है बिजनेस में. प्रॉफिट क्यों इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट वन इज रिटर्न टू इन्वेस्टर. द पीपल हु इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस एक्सपेक्ट फेयर रिटर्न. जो भी आपके बिजनेस के इन्वेस्टर है वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको अच्छा रिटर्न मिले एंड दैट इज पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट. नेक्स्ट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट. अभी हर बार इट इज नॉट पॉसिबल टू शेल आउट मनी फ्रॉम द पॉकेट. हर बार अपनी पॉकेट से आप पैसा खर्च नहीं कर सकते हो. रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा खासा अमाउंट यूज होता है. तो जब आपकी कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है उसमें सफिशियंट प्रॉफिट होता है तभी जाके आप एक बड़ा सा अमाउंट क्या कर सकते हो, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए आप यूज कर सकते हो ताकि आपकी कंपनी जो है वो एज पर द एक्सपेक्टेशन अपना प्रोडक्ट डेवलप कर सके. नेक्स्ट इज ग्रोथ एंड एक्सपेंशन. इफ यू वॉन्ट योर company to grow and expand, this profit can be used for increasing the volume of business. Retention of profit is the internal source of fund. जो retention of profit एक internal source of fund है जिसको use करके आप अपनी company को क्या कर सकते हो, expand कर सकते हो. तो profit is very important. आप हर बार आप खुद आप पैसे लगाओ ऐसा पॉसिबल नहीं है. एक टाइम के बाद आपका बिजनेस जो है वो इट शुड स्टार्ट अर्निंग प्रॉफिट ताकि आप जो उसका ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए वो प्रॉफिट आप यूज कर सको. नेक्स्ट इज इंक्रीज एफिशिएंसी. जब आप अपने एम्प्लॉयज को आप अपने क्रेडिटर्स को टाइम पे करते हो तो दैट ब्रिंग एफिशिएंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट इज मींस ऑफ लाइवलीहुड. जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस स्टार्ट करता है ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सके और एक अच्छा सा लाइफ लीड कर सके. तो इट हेल्प इट बाय अर्निंग सफिशिएंट प्रॉफिट दे कैन लिव अ डिसेंट स्टैंडर्ड लाइफ थ्रू सेटिस्फेक्शन ऑफ वेरियस वांट. उनकी जो भी वांट है वो कंप्लीट करके एक डिसेंट लाइफ वो लोग क्या कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं. नेक्स्ट इज रिवॉर्ड फॉर रिस्क. प्रॉफिट इज कंसिडर्ड एज रिवॉर्ड फॉर एज्यूमिंग सेवरल बिजनेस रिस्क. प्रॉफिट जो है इट इज अ काइंड ऑफ रिवॉर्ड फॉर एज्यूमिंग सेवरल बिजनेस रिस्क. बहुत सारे बिजनेस रिस्क के लिए प्रॉफिट क्या होता है, एज अ रिवॉर्ड काम करता है, एज अ रिवॉर्ड है. आप जो बिजनेसमैन है वो बहुत रिस्क जब वो लोग लेते हैं तो प्रॉफिट क्या है, उसका रिवॉर्ड है. इट serve as protection against those risks which cannot be insured. जो risk insured नहीं है उसके लिए भी as a protection, अगर आपके पास sufficient profit है तो आप easily market में क्या कर सकते हो, survive कर सकते हो. The last point is survival. It helps the business to continue to exist in the market. If the business does not make enough profit, it will not survive in the growing competitive world. प्रॉफिट मीन्स सर्वाइवल इन द कॉम्पिटेटिव मार्केट. सी ये बाकी जो सारे पॉइंट्स है उससे बहुत रेलिवेंट है. अगर आपको मार्केट में सर्वाइव करना है तो प्रॉफिट अर्न करना बहुत जरूरी है बिकॉज बिना प्रॉफिट के आप मार्केट में ज्यादा टाइम सर्वाइव नहीं कर पाओगे. आप हर बार आपके लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा कि आप अपने जेब से आप पैसे शेल आउट करो. सी बिजनेस नया होता है तो कुछ टाइम तक आपको नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन होता है. तो यू हैव टू इन्वेस्ट मनी टाइम एंड अगेन. बट एक टाइम के बाद बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. आप हर बार अपने पॉकेट से शेल आउट नहीं कर सकते हो. तो आपका फॉर सर्वाइवल प्रॉफिट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको मार्केट में सर्वाइव करना है, कॉम्पिटिशन में सर्वाइव करना है तो प्रॉफिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एक टाइम के बाद आपका बिजनेस जो है इट शुड स्टार्ट अर्निंग, इट शुड स्टार्ट मेकिंग मनी. So with this, I hope things are very clear.